हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं आपका प्रदीप प्रधान। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स बिल्कुल नई नई गाड़ी निकालने वाली है। उसकी जितनी भी आप गाड़ी देख रहे हो आजकल, नेक्सन लो, सफाई लो, टाटा हीरो लो, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हाल ही में उन्होंने टाटा टियागो की लॉन्चिंग डेट फिक्स की थी, नवंबर दिसंबर में लॉन्च होने वाली है टाटा। तो दोस्तों, आप जानते ही हो कि टाटा कंपनी ने अभी गाड़ी लॉन्च करने वाली है और ये बहुत शानदार गाड़ी होने वाली है। और वहीं इसकी कीमत की बात करें तो बहुत ही कम है, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन में आने वाली है। हालांकि ये कार पहले सिंपल पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च हुई थी, लेकिन उसके उस टाइम इसको कुछ साल तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स कम हो गया क्योंकि उसमें थोड़ी सेफ्टी फीचर्स की कमी थी। इस वजह से वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन टाटा मोटर्स ने एक बार फिर से उसको ये लगा लो बिल्कुल मैनुफैक्चरिंग करके अलग ही एक शानदार नए अंदाज में फिर से लॉन्च करने जा रही है, जिसकी डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि लॉन्च नवंबर दिसंबर में कर हो जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं कौन सी गाड़ी की बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ टाटा मोटर्स की एक और ईवी शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ी आने वाली है, जो बिल्कुल बजट में आने वाली है, जिसकी जो कीमत है वो 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में होने वाली है। तो आप सोच रहे होंगे यार कौन सी है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं आपको बता देता हूँ कि टाटा नैनो ईवी जो एक नए अंदाज में फिर से लॉन्च होने वाली है, और जिसके मैं बताता हूँ क्या क्या आने वाला है। इसके जो ब्रेक होते हैं वो उसके फ्रंट डिस्क ब्रेक आएंगे, और जो रियर ब्रेक होते हैं वो ड्रम ब्रेक आएंगे। तो वहीं इसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे। जो इसका स्टीयरिंग है वो एडजस्टेबल हो जाएगा, पावर स्टीयरिंग मिलता है आपको, और जो उसका फ्यूल फिल्टर है रिमोट फ्यूल फिल्टर होने वाला है, और उसका जो एसी है वो भी उसमें होगा। पावर विंडो उसके चारों मिलेंगे, सनरूफ उसमें नहीं आता है। और अगर इसमें एक नए अंदाज में आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे, ये बिल्कुल एक नए अंदाज में आने वाली है, और जिसकी जो इसकी स्पीड होती है अधिकतम स्पीड इसमें 110 किलोमीटर होगी, और इसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो 54 BHP है, और जो इसका जो इंजन है वो इलेक्ट्रिक इंजन है, ये बैटरी चलेगी, और कार हैचबैक ही है आपको पता ही है। और वहीं जो इसका इंजन है वो 12 किलोवाट प्रति घंटे की एवरेज निकालेगा। इसमें बैठने की जो क्षमता है वो 4 पीपल्स की है, 4 आदमी की। तो जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं वो काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। तो ये जो कार है ये लॉन्च होगी नवंबर दिसंबर में। तो भाई मैं तो एक ईवी जरूर लूँगा। अगर आप भी लेना पसंद कर रहे हो, आप भी टाटा मोटर्स की इस नैनो कार का इंतजार कर रहे हो, तो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीप कौशिक को दीजिए इजाज़त। राम राम।